ऑन करो तो थोड़ा अच्छा रहता है ना। कैमरा ऑन करो बेटा, सभी लोग कैमरा ऑन करिए बेटा। हमने पिछली लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वॉलीबॉल के बारे में पढ़ा था, है ना अनुषा? मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ काम दिया था मैंने, क्या दिया था बताइए। वॉलीबॉल अगर एंटीना को टच करती है तो इन होता है कि आउट, हाँ तो बताइए क्या होता है। अगर मैम आउट माना जाता है। एंटीना टच होगी और कोर्ट के बाहर गिरेगी तो आउट मानी जाएगी, कि कोर्ट के अंदर गिरेगी तब भी आउट मानी जाएगी। मैंने ये बोला था, याद आया ना मैंने क्या बोला था? अगर वॉलीबॉल एंटीना से टच होती है, कोर्ट के बाहर गिरती है, तब इन होगी कि आउट होगी, या कोर्ट के अंदर होती है तब वो राइट होगी या नहीं राइट होगी, ये था। मैम कोर्ट से बाहर जाएगी तब तो आउट ही होनी चाहिए, अच्छा बाकी अंदर का तो मैंने नहीं देखा। चलिए, अभी फिर से आप देखेंगे और फिर बताएंगे मुझे, ठीक है? चलो एक बार हम पहले थोड़ा मोटा मोटा करेंगे पिछले उसको, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? ये 11 बजे से आपकी क्लास थी ना, 11 to 11:45? यस। यस मैम, हाँ आज तो बेटा, 8 साल आज आए नहीं है इसलिए, है ना? चलिए ठीक है, ये था हमारा वॉलीबॉल को फ्रंट जोन, बैक जोन, ये नेट, साइड एंड। मैंने क्या बताया था? वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, यही बताया था ना? बच्चे ज्वाइन करो, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं अभी ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, ठीक है? ये सेंटर लाइन, ए टीम बी टीम, जो फर्स्ट जोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इसके डिस्टेंस क्या है, इसका ब्रेथ क्या है? 3 मीटर। इसका क्या है? 6 मीटर। फर्स्ट 3 मीटर फर्स्ट जो अटैकिंग जोन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट जोन। जो डिफेंसिंग जोन रहता है उसको हम बोलते हैं बैक जोन, ठीक है? ये जो साइड वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं साइड लाइन, एंड लाइन को बोलते हैं एंड लाइन, और सर्विस लाइन। एक सेकंड बेटा, इसको बोलते हैं हम सर्विस लाइन। उसके मैम बाद क्या शेष पाकरे प्रेजेंट। चीज, क्या बोला बेटा? मैम प्रेजेंट। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो इसको हम फ्रंट जोन बोलेंगे, इसको बैक जोन बोलेंगे, इस लाइन को हम साइड लाइन बोलेंगे, इस लाइन को हम एंड लाइन बोलेंगे, और सर्विस लाइन ये हो गया हमारी सेंटर लाइन, ये है हमारा नेट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक? अब ये एक छोटी सी लाइन हो गई ना, ये और ये मैंने आपको बताया था ना, सर्विस ये है सर्विस लाइन, विद इन 8 सेकंड्स आपको सर्विस करनी होती है। बताया था ना मैंने आपको, पहले जो मैंने बताया था वही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? हम शुरू से स्टार्ट करते यस हैं। मैम। ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, इसको हम सेंटर लाइन की हेल्प से दो टीम के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है? 5 सेट्स होते हैं इन ए वन गेम, इन ए वन गेम हाउ मेनी सेट्स? 5 सेट्स, ठीक है? 25 25 25 25, लास्ट सेट 15 पॉइंट्स का होता है, डिसाइडिंग सेट, ठीक है? अगर टू ऑल हुआ तो थर्ड सेट के लिए जाएंगे, अगर टू वन हुआ, थ्री वन हुआ या टू वन हुआ तो थर्ड सेट होगा, थर्ड सेट में अगर थ्री वन हो गया तो ऑलरेडी डिसाइडिंग हो गया, थर्ड सेट ही डिसाइडिंग हो गया। वो डिपेंड करता है कैप्टन के ऊपर, अपन बात कर लेते हैं कोचिस से और कैप्टन से कि हमें 3 सेट पे जाना है कि 5 सेट पे जाना है। अगर वन साइडेड मैच है तो हमें 5 सेट पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना? अगर टफ मैच है, दोनों तरफ से टीमें अच्छी है, तब तो 5 सेट के लिए हम जाते हैं, ठीक है? जब भी गेम एंड होगा, डिसाइडिंग पॉइंट होंगे, तो वो कितने के डिफरेंस होने चाहिए? 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? 1 पॉइंट के डिफरेंस का गेम खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैम वो सेट गेम से पहले डिसाइड होते हैं।
नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड वो रहता है, क्राइटेरिया है कि अपने 5 सेट से ही होते हैं। अगर 3 सेट करने हैं तो आप दोनों कैप्टन मिलके, कोच मिलके उसके ऑफिशियल्स के साथ डिसाइड कर लेते हैं कि हम बेस्ट ऑफ 3 रखना है हमको मैच गेम, या फिर बेस्ट ऑफ 5 रखना है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कभी अपने यहाँ इंटर हाउस होता है तो हम बेस्ट ऑफ 3 ही कर लेते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है इसका, जो रूल है, वो बेस्ट ऑफ 5 है। ठीक है, 25 25 25 25, लास्ट है 50। ठीक है, तो अगर हमारे 25 में 24 ऑल हो गया तो हमें 26 के लिए जाना पड़ेगा, 25 ऑल हो गया तो 27 के लिए जाना पड़ेगा। जो लास्ट के 2 पॉइंट जिसके कंटिन्यूसली बनेंगे वही टीम वो सेट विन करेंगे। ठीक है, ये था इसका मैच का जो था। उसके बाद है कोर्ट वाला। तो कोर्ट में पता ही है आपको, इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं, इसको हम फ्रंट जोन बोलते हैं, इसको हम बैक जोन बोलते हैं। ये जो साइड वाली लाइन रहती है हमारी, इसको हम साइड लाइन बोलते हैं। ये लाइन है लास्ट में, एंड में, इसको एंड लाइन भी बोल सकते हैं और सर्विस लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट आपको मैंने बताया था 18.59 मीटर। ठीक है, ये लाइन ब्रेथ इसकी क्या है 9 मीटर है, लेंथ इसकी क्या है 18 मीटर है। ठीक है, आज वॉलीबॉल की बात फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो कॉमन कॉमन रूल्स है अपने, जो बेसिक रूल्स है, वो मैं आज आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर्ट का। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा ये एक्सटेंशन लाइन रहती है, ये देखो ये 5.1 2 3 4 5, जो हमारी अटैकिंग लाइन रहती है, जो फ्रंट जोन है उसमें आपने देखा होगा ये लाइन रहती है 5 डॉट्स वाली, देखा होगा ना हमेशा जब इंटर एसीएस वगैरह होता है तो आपने देखा होगा ना ये चीज। ये देखो ये जो 5 डॉट वाली लाइन रहती है जो फ्रंट जोन में, ये इसका भी मेजरमेंट होता रहता है 1.75 मीटर। इसमें क्या होता है, इसका जो ये लाइन है इसका 1.75 मीटर होता है। किसी को आइडिया है कि हम जो एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं अटैकिंग लाइन पर, ये हम क्यों बनाते हैं, थोड़ा भी किसी को आइडिया है बताइए बेटा, कि जो हमने अटैकिंग लाइन पर बनाते हैं, किसी को भी आइडिया, आदित्य कुबेर, किसी को कोई आइडिया है, दिव्यांशु नहीं। ये बेटा हम इसलिए बनाते हैं, मान लो हमारे 3 प्लेयर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है 1 2 3। ठीक है, ये 2 प्लेयर अटैक करेंगे तो ये अंदर से अटैक करेंगे, ये हमारा लिफ्टर हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये पोजीशन वाले प्लेयर नहीं है, तो लिफ्टर भी नहीं बात होती इसकी, तो ये तो कभी अटैक ही नहीं कर सकता है ना। अगर ये प्लेयर है हमारे बैच और प्लेयर, अगर ये मारो अटैक करेंगे तो ये इधर फ्रंट जोन से तो अटैक कर नहीं सकते। अगर ये जो वाली लाइन है फ्रंट जोन वाली लाइन है, 3 मीटर वाली लाइन है, अगर ये इससे अटैक करेंगे तो इनका फाउल होगा। क्यों? उनकी रोटेशन पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो बैच जोन के प्लेयर है। समझ में आ रही है ना बात? तो समझने वाली बात है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इधर से आगे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर ये बाहर से अटैक करते हैं तो ये इस लाइन को क्रॉस ना करते हैं, इसके एक्सटेंशन लाइन इसलिए होती है। ठीक है, बॉल आप अगर बॉल आपके नेट से क्रॉस हो जाती है, उसके बाद अगर उनकी लाइन क्या होती है तो फाउल नहीं माना जाता है। अगर नेट आपके ही कोर्ट में है तो फिर फाउल होता है। समझ आया बेटा? समझ आ गया? जिसको नहीं आया वो एक बार यस मैम। बोलना। समझ में आ गया आदित्य? अगर ये जब तक हमारे कोर्ट में ही बॉल, तब तक ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो बैकग्राउंड प्लेयर है, ये फ्रंट जोन प्लेयर है। समझ में आ गया मेरे सबको यहाँ तक ये चीज? ठीक है, और इसका मेजरमेंट होता है 1.75 मीटर। एक्सटेंशन लाइन होती है, ये होती है 1.75 मीटर। हम इससे कम भी नहीं ले सकते, हम इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब आपने देखा होगा क्रॉसिंग लाइन बन गई है, आपने देखा कोर्ट के बाहर भी ये क्रॉसिंग लाइन होती है और ये एक्सटेंशन वाले भी क्रॉसिंग लाइन होती है। आपने कभी सोचा है कि इसका भी कोई मेजरमेंट हो सकता है? हम चाहें तो इतना बड़ा ट्रक लगा दें और इतना ही खाली प्लेस छोड़ दें, ऐसा हम कर सकते हैं, यस और नो? हमने इसमें डॉटेड की क्यों बनाई? हम तो इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नो मैम।
नहीं कर सकते क्यों? क्यों नहीं कर सकते बेटा बताइए, क्यों नहीं कर सकते मैम, बताओ। बिकॉज टू डिस्टिंग्विश द इंटरनल लाइन एंड एक्सटर्नल लाइन। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, और रीजन भी है इसका बताइए। देखो बेटा, ये जो लाइन होती है, पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगी, बहुत बकवास हो गया फिर मैं। ये देखो, ये हमारे कोर्ट की, जैसे ये क्या है, ये लाइन वाला है, ठीक है। आपने देखा इसमें एस ऑर्बिट बना, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम नहीं, तो इसका मेजरमेंट क्या होता है, 15 20 15 20, टोटल लेंथ क्या है इसकी, 1.75 मीटर। 15 20 15 20 15 20, अब आप सबको प्लस कर देती हूँ, 175 मीटर ही हो, समझ में आया सबको? 15 मीटर, 20 20, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर, फिर या 0.20 मान लीजिए या 0.15 मान लीजिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इसको काउंट करेंगे अगर 5 होगी तो 1.75 ही होगा, ठीक है। तो जो इसका मेजरमेंट है, एंड लाइन में आप इधर भी ये डॉटेड रहती है, तो ये भी 15 और 20 सेंटीमीटर, ये होगा 15 15 सेंटीमीटर और ये होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोर्ट में और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक ठीक है आपके लिए, ज्यादा बेसिक से क्यों जाना है। अब आ गया बॉल के पास, बॉल के बारे में ही मैंने आपको बताया था। तो बॉल में क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द वेट ऑफ वॉलीबॉल? मैम 200 ग्राम्स। और बताइए, और किसी को कोई आइडिया? बताइए बेटा, जो आपको समझ आया ना उसे। 250 to 280 ग्राम्स, 260 to 280 ग्राम्स। यस गुड, 262 280 ग्राम्स, ये होता है बॉल का वेट, 260 से कम नहीं होना चाहिए, 280 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सर्कमफ्रांस पर, तो सर्कमफ्रांस क्या है, सर्कमफ्रांस मैंने बताया था आपको, 65 से 67 सेंटीमीटर। 65 to 67 सेंटीमीटर, वेरी गुड, सर्कमफ्रांस में इससे कम नहीं होना चाहिए और 67 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो बताइए। आज अनामिका ने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि मैंने उसको कुछ बोला था करने के लिए, तो आज मैडम आई नहीं है क्लास में। चलिए इसके बाद मैंने क्या बताया था, नेट के बारे में हम बात करेंगे, है ना। कोर्ट हो गया, बॉल हो गई, अब आता है हमारा नेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। नेट बना रही हूँ, इतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ ड्रॉइंग, ये हो गया नेट। नेट में मैंने क्या बताया था, नेट की हाइट फॉर मैन फॉर वुमेन, ठीक है, जो नेट का मेजरमेंट है। नेट की ब्रेथ भी मैंने बताई थी क्या, नेट की ब्रेथ यस कितनी मैम, 1 मीटर। बताई, 1 मीटर, 1 मीटर बताई थी ना, यस, जो नेट की ब्रेथ होती है वो है 1 मीटर, इससे ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए नेट की, ठीक है।
लेंथ ऑफ द नेट मैंने कितनी बताई थी बेटा? 9.5 मीटर टू 10 मीटर. 10 मीटर, वेरी गुड. लेंथ कितनी है? 9.5 टू 10 मीटर. इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने पूरा उसमें नेट ही बना के रख लिया, है ना. जो नेट है नीचे वाली जो पट्टी है उसका मैंने क्या बताया था मेजरमेंट? 5 मीटर. और बाप रे, 5 मीटर तो बहुत बड़ा होता है. 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, यस 5 सेंटीमीटर. और जो जॉट ऊपर वाली पट्टी है उसका 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड. जो बॉक्स है उसका भी मैंने कितना स्क्वायर बताया था? स्क्वायर का जो नेट बॉक्सेस है ये स्क्वायर है. मैंने आपको क्या बताया, जो नेट है उसके जो स्क्वायर्स हैं उनका भी एक मेजरमेंट होता है. मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में. ऐसा नहीं है कि हमने जो एक एक मीटर का हमने ले लिया, 50 सेंटीमीटर का हमने ले लिया एक एक ये स्क्वायर, ऐसा हो सकता है? नहीं. ये जो नेट के बॉक्सेस है इसका भी पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है. कितना बताया था मैंने अनुषा? मैम 10 इज टू 10. क्या था? 10 इज टू 10 बताया था कि 1 बताया था मैंने? क्या बताया था मैंने? आदित्य, आदित्य निश्चल. यस मैम. क्या बताया था बेटा? चलो नेक्स्ट क्लास में आदित्य आप बताएंगे मुझे ये चीज. मैम आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस. अच्छा, बाकी सबको तो बेटा सुनाई दे रहा है, सिर्फ आपको ही सुनाई नहीं दे रहा है. चलिए भाई, अभी आ रही है? यस मैम. अच्छा आदित्य, मैंने आपको बताया था ना ये नेट बॉक्स में जो है ये yes, जो ma'am. एक एक बॉक्स है इसका क्या मेजरमेंट है बेटा? मैम 10 इज टू 10 सेंटीमीटर. अच्छा 10 इंटू 10 में बताया था कि 1 बताया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए. मैम 10 बताया था मैम आपने. 10 बताया था, चलिए अच्छा है. 10 इंटू 10 mm बताया था कि सेंटीमीटर बताया था? मैम सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. चलिए आदित्य, अभी आप नेक्स्ट पीरियड में फिर से इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ये, ठीक है? ओके मैम. हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर मैन क्या बताया था मैंने? हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट मैम 2.236 मीटर फॉर मैन कितना? 2.43 मीटर. और वुमेन के लिए क्या बताया था मैंने? मैम 2.24. 2.24, वेरी गुड. 2.24. नेत्र का मैम बेटा जस्ट अभी गई है उधर, देखो एग्जाम बोर्ड में. ठीक है, 2.24 मीटर वुमेन के लिए है और मेन के लिए है 2.43 मीटर. ठीक है, नेट की ये भी हो गया. अब हम बात करेंगे, अब हमारा क्या छूट रहा है? रोटेशन. सर्विस का बता दिया मैंने आपको, सर्विस का. यस मैम. विद इन 8 सेकंड्स आपको सर्विस करनी होती है ना. अच्छा अब मैं कुछ, अब मैं फाउल का बताऊंगी आपको आज, है ना, फाउल का बताऊंगी. मान लीजिए ए टीम ने सर्विस की, बी टीम के प्लेयर के चेस्ट पर भी बॉल टच हो गई, फिर उसने बॉल रिसीव कर ली. समझ में आया? सुनना ध्यान से. फर्स्ट टच यहाँ पे हो गया उसको, कहीं भी टच हो गया बॉडी पार्ट में. सेकंड उस टच में उसने बॉल रिसीव कर ली, तो इट इज ए फाउल और नॉट? फाउल होगा या नहीं होगा? बताइए. एक प्लेयर ने दो बार टच कर ली, टू टाइम्स टच वन बाय वन प्लेयर इज अलाउड, फाउल और नॉट?
आई थिंक इट इज नॉट फाउल। अच्छा नहीं फाउल है तो क्यों नहीं होगा, और है तो क्यों है? मैम फाउल हो सकता है, उसने दो बार टच कर ली, एक ही बार करनी चाहिए। देखो होगा तो दो ही चीजें ना, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन हमें ये जानना है ना कि फाउल होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब होगा। मैं फर्स्ट रिसीवर हूं और मेरे से दो बार टच हो जाती है बॉल मान लीजिए, तो फाउल होगा कि नहीं होगा? और अनुषा अगर सेकंड रिसीवर है, हम तीन टाइम टच कर सकते हैं ना अपने कोर्ट में बॉल को, तीन प्लेयर टच कर सकते हैं ना बॉल को, थ्री बार में क्रॉस करनी होती है ना। हम डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं, मैंने बॉल रिसीव की, फिर अनुषा ने की, फिर आदित्य ने की, आदित्य ने क्रॉस कर दी, ऐसे कर बॉल लेते हैं ना, क्योंकि पहले बॉल डिफेंड वाला बॉल लेगा, फिर लिफ्टर बॉल बनाएगा, फिर अटैकर बॉल मारेगा, तो थ्री टच तो अलाउड है ना। फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि डबल टच फाउल होता है? देखो बेटा, अगर फर्स्ट रिसीवर है मान लीजिए, अगर उससे बॉल टच हो भी जाती है तो वो फाउल नहीं होता है। अगर सेकंड और थर्ड रिसीवर से अगर डबल टच होता है तो वो फाउल होता है। ठीक है, ठीक है। वैसे कोशिश करना है कि बॉल एक बार ही टच हो, तीन टच में हमको बॉल क्रॉस करनी होती है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो बताना। मैम बॉल पैर से भेज सकते, पैर से रिसीव देखो कर बेटा, सकते हैं क्या? हेड से रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप इंटेंशनली उसको नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, मान लो आप लेटे गिर गए हैं अचानक से, बॉल डिफेंस करते में आप बॉल गिर गए हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास तुरंत बॉल फिर से आ गई, तो हो सकता है आप उसमें पैर का यूज कर लें कि बॉल क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप खड़े नहीं हो पाए। अगर इंटेंशनली करते हैं तो वो फाउल होता है, जानबूझ के आपने बॉल पैर से कर दी तो मैम तो पता कैसे चलेगा कि वो तो बेटा रेफरी डिसाइड करता है ना, है। वो आपकी जो सिचुएशन होती है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आप कैसे कर रहे हैं उससे पता चल जाता है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा और किसी को कुछ कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट। थ्री टाइम्स वाला जो आपने बताया कि एक कोर्ट में जब बॉल आती है, हाँ, तीन से ज्यादा बार टच करके अगर हम बॉल, चार बार हमने टच कर ली, हमारी टीम में बॉल आई, मैंने रिसीव करी, अनुषा ने रिसीव करी, आदित्य ने रिसीव की, अगर तीन बार हमने रिसीव टच कर ली बॉल को, हिट कर लिया, तो तीसरी बार में बॉल हमको नेट क्रॉस करनी ही करनी है। ठीक है, अगर तीन बार में नॉट क्रॉस नहीं हुई तो पॉइंट अपोनेंट को मिलता है। तीन टच में हमको अपने नेट से बॉल उस नेट में दूसरी तरफ भेजनी ही भेजनी है। समझ में आया सिंपल भाषा में? ठीक है, चाहे वो अटैक करके भेजे, चाहे डिफेंस करके भेजे, चाहे आप वन टच में भी भेज सकते हैं, आप टू टच में भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जब मैचेस चलते हैं, वो होता है जिनके पास अटैकर्स हैं, लिफ्टर्स हैं, तो पहले बॉल रिसीव करेंगे, फिर बॉल बनाएंगे, तभी तो बॉल हिट करेगा ना अटैकर, है ना। ये है आप नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। अब मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास बॉल आई, ठीक है, उधर आदित्य ने सर्विस की, मैंने बॉल रिसीव की, ठीक है, मैंने बॉल तो रिसीव कर ली, लेकिन बॉल रिसीव होके साइड में चली गई, हाइट पर है, साइड में चली गई, अनुषा मेरी टीम में है, अनुषा ने बॉल कोर्ट के बाहर जाके रिसीव कर ली, ठीक है, और उसने अपोनेंट के कोर्ट में भेज दी, तो पॉइंट ये अपोनेंट को मिलेगा कि हमको मिलेगा? बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई पहले ये बताओ, समझ आई बात के नहीं आई ये बताओ पहले मुझे। आ गई मैम। आ गई, क्या समझ आया बताओ अनुषा? कि किसी एक ने बॉल, दूसरे अपोनेंट ने बॉल दूसरी तरफ फेंकी, तो जिसने पहले मारी उसने बॉल बाहर तरफ फेंक दी, फिर किसी एक प्लेयर ने बाहर से सर्विस रिसीव करके दूसरी साइड फेंक दी और उनकी तरफ जाके बॉल गिर गई। मान लो मैंने बॉल रिसीव की, ठीक है, मुझसे बॉल इधर चली गई, तुमने बॉल यहाँ से अपोनेंट कोर्ट में चली तो गई, लेकिन वो नीचे गिर गई जाके, तो पॉइंट ये किसका होगा, हमारा होगा कि दूसरी टीम का होगा, अपोजिट टीम का होगा? मैम एंटीना तक हिट कर सकते हैं बॉल को क्या? मैम जहां तक एंटीना है वहां तक जाके हिट कर सकते हैं बॉल को? बेटा बॉल को वहां तक जाके हिट कर सकते हैं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ बॉल हमारे पास आई, मैंने बॉल रिसीव की, बॉल रिसीव तो कर ली, लेकिन बॉल जो हमारा 18 बाई 9 मीटर, जो हमारा 9 बाई 6 वाला ये जो एरिया है हमारी टीम का,
बॉल उछल के यहाँ चली गई, ठीक है, अनुषा दौड़ के गई यहाँ से बॉल मारी उसने, अपोनेंट कोर्ट में चली गई, लेकिन वहां पे बॉल जाके नीचे गिर गई, तो ये फाउल होगा, पॉइंट हमको हमें मिलेगा या अपोनेंट टीम को मिलेगा? बोलो, मैम देखो ओपोनेंट टीम को मिलेगा। क्यों अपोनेंट टीम को क्यों मिलेगा मैम, क्योंकि जब हम खेलते थे तब तो दूसरी टीम वाले बोलते थे हमारा पॉइंट है। वही तो मैं आपको बता रही हूं ना कि हमें दूसरी टीम को तो मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा हमें मिलेगा, सॉरी, लेकिन क्यों मिलेगा? देखो बेटा ये चीज है, देखो हम ये हमारा जितना भी कोर्ट का है, ये हमारा 3x6 9 मीटर वाला हमारा एरिया है, 9 मीटर वाला उनका अपोनेंट टीम का एरिया है, ठीक है। तो इस 9 मीटर मैंने बॉल रिसीव की, बॉल यहां से यहां तक कहीं भी बॉल जा सकती है, हमारे टीम के जो प्लेयर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विद इन 3 टच उनको नेट के जो एंटीना है उनके अंदर से बॉल अपोनेंट कोर्ट में पहुंचानी है। मान लीजिए इन्होंने बॉल तो यहां से भेज दी, लेकिन जो एंटीना लगा हुआ है बॉल उसके बाहर से गई, तो पॉइंट हमारा नहीं होगा, पॉइंट अपोनेंट का होगा, ठीक मैम है। मैंने भी तो यही बोला था मैम। एक सेकंड बेटा रुक जाना। अगर पॉइंट अगर बीच में से जाती है बॉल तो पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, लेकिन यहां से इसने बॉल मारी, बॉल आके बाय चांस नेट में अटक गई, ठीक है, नेट से बाहर आई, हमारे लिफ्टर ने बॉल क्रॉस करके इधर भेज दी, तब भी पॉइंट हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे कितने टच हुए हैं अभी, 2 टच, अभी हमारा 1 टच और बाकी है, हम अभी 1 चांस हमारे पास है जिससे हम बॉल रिसीव करके बॉल को हम क्रॉस कर सकते हैं। समझ आई बात बेटा? क्या नेट का भी टच मानते हैं? नहीं बेटा, 2 ही बार टच हुई ना, ये देखो एक बार तो मैंने बॉल रिसीव की, एक बार अनुषा यहाँ से बॉल रिटर्न लेकर आई, तो बॉल तो नेट में नेट के अंदर चली गई ना, बॉल कोर्ट क्रॉस नहीं हुई ना, तो मैंने टच किया, अनुषा ने टच किया, तो 2 बार टच हुआ ना, 1 टच बाकी है अभी हमारे पास। मान लीजिए नेट में जब बॉल फंसती है तो रिटर्न भी तो आती है ना, रिटर्न आती है ना, तो हमारा ये लिफ्टर है या ये फर्स्ट जोन अटैकर जितने भी प्लेयर हैं इनमें से बॉल किसी ने लेके इधर कर दी, तब भी पॉइंट हमारा ही होगा। अगर उन्होंने रिसीव कर ली तो पॉइंट हमारा नहीं होगा, फिर तो दूसरी रैली स्टार्ट हो गई ना, फिर तो डिसाइड होगा कि हमारी तरफ बॉल गिरती है क्या उनकी तरफ बॉल गिरती है ना। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात, हमारा प्लेयर यहाँ खड़ा हुआ है सर्विस करने के लिए, ठीक है, ये हमारा जो प्लेयर है वो सर्विस कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस, ये सर्विस लाइन है हमारी, ठीक है, सर्विस लाइन है। प्लेयर ने ये एम्पायर ने विशेल बजा दी, ठीक है, मान लीजिए मैं सर्विस करने जा रही हूँ, एम्पायर ने विशेल बजाई, मैंने टॉस किया, ठीक है, टॉस किया, बॉल नीचे गिर गई जमीन पे, तो हमें क्या दोबारा चांस मिलेगा सर्विस करने के लिए कि पॉइंट सर्विस दूसरे अपोनेंट को मिल जाएगी, पॉइंट उनको मिल जाएगा अपोनेंट को? मैम चांस तो नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, अच्छा पॉइंट, पॉइंट पॉइंट किसको मिलेगा? पॉइंट भी दूसरी टीम का ही होगा। यस, फिर नहीं होगा, देखिए बेटा मैंने आपको बताया था ना विद इन 8 सेकंड्स आपको सर्विस करनी होती है, बॉल रिलीज करनी होती है, ठीक है, अगर आपने एक बार टॉस कर दिया, अगर आपने बॉल फिर हिट नहीं कर पाई, बॉल मिस कर दी, तो आपका सर्विस का चांस गया, सर्विस आपकी कैंसिल है, टीम पॉइंट किसको मिलेगा, अपोनेंट टीम को पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपना बॉल अपनी बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और 8 सेकंड्स भी आपका क्रॉस हो जाता है उसके बाद आप सर्विस करते हैं, तब भी पॉइंट अपोनेंट को ही मिलेगा, क्योंकि आपने 8 सेकंड्स जो टाइम था उसको आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए अच्छी बात है। अब मान लीजिए एक चीज मैं और बताती हूँ, अभी बहुत सारा है लेकिन मैं अभी थोड़ी देर फिर बताऊंगी आपको, है ना। अब आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? फिजिक्स। चलिए 45 पे होगी ना, 42 हो गया है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत सारे रूल्स जो कॉमन है, बेसिक है, वो बाकी है, ठीक है बेटा, ओके मैम, जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिए, नेक्स्ट में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।